ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो बीते दिनों मैंने एक सवाल पूछा कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, व्हाई वी सेलिब्रेट महाशिवरात्रि, और अधिकांश लोगों ने इसका एक ही जवाब दिया कि इस दिन शिव जी और माँ पार्वती जी की शादी हुई थी। गलत जवाब। शिव जी और माँ पार्वती जी की शादी कब हुई थी वो दिन मैं आपको बताता हूँ, और महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं ये भी बताता हूँ महाशिव पुराण से। महाशिव पुराण जो है वो शिव जी ने स्वयं लिखी थी, और फिर बाद में वेद व्यास जी ने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। और महाशिव पुराण कहती है कि महादेव और माँ पार्वती जी की शादी जो हुई थी वो मार्गशीर्ष मास, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच का जो समय होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, मार्गशीर्ष मास की रोहिणी नक्षत्र से सोमवार के दिन हुई थी। और अगर हम ऐसे देखें तो इस वर्ष मार्गशीर्ष मास मतलब कि नवंबर से दिसंबर के बीच और रोहिणी नक्षत्र से, तो ये 25 दिसंबर 2023 को इस वर्ष वो दिन पड़ेगा जिस दिन माँ पार्वती और बाबा शिव की शादी हुई थी। तो ये है, इसका रेफरेंस मैं लगा दूंगा महाशिवपुराण से, सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाए। और अब बात करते हैं कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। महाशिवरात्रि को पहली बार शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। वैसे तो महादेव बताते हैं महाशिवपुराण में कि इससे पहले भी एक बार उनका शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, जब मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से पूर्णमासी का दिन था उस दिन। लेकिन पहली बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने जो प्रकट हुआ शिवलिंग अग्नि स्तंभ के रूप में, वो दिन था महाशिवरात्रि। जैसे महादेव ने बोला कि आज का दिन तुम दोनों ने मेरी पूजा की है, इसलिए आज का दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा, और इस दिन जो मेरा पूजन करेगा उसे साल भर के, अगर उसने साल भर पूजा नहीं की है और इस दिन अगर मेरी पूजा कर लेता तो साल भर की पूजा का फल मिलेगा। और भी बहुत कुछ बताया है, तो इसके लिए आपको महाशिवपुराण पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि के पीछे एक छोटी सी कथा है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में विवाद हुआ, विवाद हमारे लिए लेकिन ये उनकी लीला थी। तो उन दोनों में विवाद हुआ कि कौन बड़ा, ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं, विष्णु जी कह रहे थे मैं। तो उसी दौरान उनके बीच में एक अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ, और जब वो अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी उसकी था जानना चाहते थे कि इसकी ऊंचाई और इसकी गहराई क्या है। तो गहराई जानने के लिए विष्णु जी नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर गए। विष्णु जी नीचे गए 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 उनको उसकी था नहीं मिली, तो वो पुनः उसी स्थान पर आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए 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 तो उनको ऊंचाई नहीं मिल रही थी, तो उसी दौरान उनको एक नीचे आता हुआ केतकी का फूल दिखा। तो जब केतकी का फूल दिखा तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो केतकी के फूल ने बोला मैं तो बहुत ऊपर से आ रही हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला और ये स्तंभ, तो बोला ये तो उससे भी ऊपर से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये काम करना, नीचे विष्णु जी मिलेंगे तो उनको बोलना कि जहाँ इसका आदि था मतलब जो ऊंचाई का लास्ट पॉइंट था तो मुझे वही मिली थी और हम दोनों वहाँ से साथ में आ रहे हैं। तो केतकी के फूल ने बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो उन्होंने बोला देख लो मैं रचनाकार हूँ, अगले जन्म में तुमको कुछ ऐसा रच दूंगा कि तुम बड़ा पछताओगे। उसने बोला ठीक है। तो वो नीचे आई और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि क्या तुमको इसकी गहराई का पता चला, तो उन्होंने बोला नहीं। तो विष्णु जी ने पूछा क्या तुमको इसकी ऊंचाई का पता चला, तो उन्होंने बोला हाँ ये केतकी के फूल से पूछ लो। केतकी के फूल ने बोला हाँ सही कह रहे हैं ये ब्रह्मा जी। और इतने में उस अग्नि स्तंभ से हमारे शिव जी प्रकट हुए और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और फिर ब्रह्मा जी ने भी माफ़ी मांगी, केतकी ने भी माफ़ी मांगी। तो कुछ जगह कहते हैं कि जैसे मैं अभी संक्षिप्त में महाशिवपुराण जो पढ़ रहा हूँ वो गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ रहा हूँ, उसमें मुझे ये पूरी कथा विस्तार में नहीं मिली, लेकिन कई गुरुजनों से मैंने सुना है और कई जगह दो कहानियाँ चल रही हैं। एक तो कि सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि उनकी दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी, और फिर उनको एक स्थान दिया पुष्कर। और कुछ कुछ कथावाचक बताते हैं कि शिव जी ने यहाँ पर ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि तुमने झूठ बोला है, इस वजह से दुनिया में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। और फिर शिव जी ने उनके माफ़ी मांगने पर एक स्थान पुष्कर उनको दिया था। पुष्कर एक पवित्र स्थान है जहाँ पर दुनिया भर में एकमात्र वैलिड मंदिर है ब्रह्मा जी का, जहाँ पर उनकी पूजा होती है, जहाँ उनका स्थान है, और बहुत सुंदर मंदिर है। आप लोग कभी जाइए, ये राजस्थान राजस्थान में पड़ता है। और वहाँ पर एक बहुत सुंदर कुंड भी है, कहते हैं उसमें नहाने से आपके कई सारे रोग की समाप्ति हो जाती है। तो आप लोग पुष्कर कभी जरूर जाएं। बाद में शिव जी केतकी के फूल पर आए कि तुम मुझे अति प्रिय थी लेकिन अब तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम मुझ पर कभी नहीं चढ़ोगी। और फिर केतकी ने पुनः माफ़ी मांगी और बताया कि ये मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर किया है,
तो फिर शिव जी ने उसको साल में एक दिन दिया कि इस दिन तुम मुझ पर चढ़ाई जा सकती हो, लेकिन वो दिन कौन सा था मैं भूल गया हूँ, मुझे माफ़ करें, लेकिन ये महाशिव पुराण में लिखा हुआ है तो आप वो दिन देख सकते हैं। और ये है महाशिवरात्रि, और इस दिन शिव जी ने बोला कि इस दिन जो भी मेरी पूजा करेगा उसको बहुत सारा फल मिलेगा। अगर आप उनका दर्शन करते हैं तो फल मिलता है, उनकी पूजा करते हैं तो फल मिलता है, और इस दिन अगर आप भूखे रहकर निराहार रहकर आप अगर ध्यान करते हैं शिव जी का दिन में और रात्रि में, अधिकतर लोग दिन में तो जागते हैं, दिन में तो पूजा करते हैं, लेकिन रात्रि जो है उस दिन सो जाते हैं, तो महाशिवरात्रि को सोते नहीं हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसका विशेष ध्यान रखें, महाशिवरात्रि की रात जागे, शिव जी का ध्यान करें, शिव जी की चार पहर की पूजा करें, और अगर पूजा पॉसिबल ना हो तो उनका ध्यान करें, अच्छी बातें करें, शिव जी के भजन सुने। और कई सारे गुरुजन हैं जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, तो आप रात्रि जागरण सुन सकते हैं, तो आपकी रात्रि बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएगी। तो इस रात्रि का विशेष महत्व है, तो प्लीज़ इस रात्रि को जागें। और आप सभी से प्रार्थना है कि महाशिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की ज़रूर पढ़ें, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो हमारी सबसे पुरानी प्रेस है जो सनातन की पुस्तकों को छापती है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी करेक्शंस के या छेड़छाड़ के। तो प्लीज़ आप इसको जैसी है वो एज इट इज़ आप तक पहुंचाती है। तो गीता प्रेस गोरखपुर को सपोर्ट करें, उसकी पुस्तकों को पढ़ें, महाशिव पुराण पढ़ें, ताकि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी गलत प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं उनसे हम बच सकें, और महाशिवरात्रि का सही दिन क्या है, सही उसकी महत्वता क्या है, सही महात्म्य क्या है, आप लोगों तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की है महाशिव पुराण से। तो प्लीज़ आप लोग इसे और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको महाशिवरात्रि की क्या सही कथा है वो नहीं पता है, तो लोगों को जागरूक करें। और हमारे महादेव जो हैं, भोलेनाथ जो हैं, उनके बारे में जो गलत गलत भ्रांतियां हैं वो सुधर सकें। और एक बात और कहना चाहूँगा, महाशिवरात्रि में बहुत सारे लोग कांवड़ लेकर आते हैं, मैं भी कांवड़ लेकर आता हूँ, और कई सारे कांवड़िए नशा करते हैं। आप सोचिए जिसके कंठ में हलाहल विष हो उसको नशा चढ़ेगा क्या? कैसी बातें करते हो आप लोग, किसी भी ग्रंथ में शास्त्र में शायद नहीं लिखा है। मैंने महाशिव पुराण पढ़ी है, महाशिव पुराण पूरी शिव जी के बारे में, महाशिव पुराण नहीं कहती है कि शिव जी ने कभी भी नशा किया है। और अगर कोई कहता है कि शिव जी नशा करते हैं तो प्लीज़ मुझे उस ग्रंथ का, उस शास्त्र वेद पुराण जहाँ भी लिखा हुआ है मुझे बताइए, मैं पढ़ना चाहूँगा। और शिव जी नशा नहीं करते हैं, और कांवड़ के जो नियम है उसमें नशा से दूरी बना के रखने के लिए कहा गया है, अच्छे विचार रखने के लिए कहा गया है। तो कोई कैसे बोल सकता है कि शिव जी नशा करते हैं, और शिव जी नशा करने के लिए बोलते हैं, शिव जी आदि योगी हैं, वो योग करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वो योग में रहने के लिए, ध्यान में जाने के लिए नशा करते हैं। कैसी बातें करते हो यार, मतलब आपको नशा करना है आप कीजिए, लेकिन शिव जी का नाम क्यों बदनाम करते हो? वही एक बात हो गई कि आपको कोई गलत काम करना है तो आप किसी बड़े इंसान का नाम लेकर कर दो, अरे वो भी तो करता है, तो आपका जो क्राइम है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शिव जी ने कोई नशा नहीं किया है। तो प्लीज़ नशे से दूर रहिए। जो लोग आपको भ्रमित करते हैं कि शिव जी नशा करते हैं, शिव जी पर भांग चढ़ती है, वो इसलिए क्योंकि उनके कंठ में विष है जो बहुत गर्मी करता है। तो जो हमारी भांग है उसको औषधि के रूप में हमारे यहाँ पर वैदिक कल्चर में यूज़ किया गया है, तो वो भांग जो है वो बहुत सी दवाइयों के रूप में, औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है। तो वो उनके कंठ में जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए उन पे चढ़ती है, ना कि नशा के लिए। जिसके कंठ में जहर हो उसे क्या नशा होगा यार, कैसी बातें करते हो आप लोग। तो प्लीज़ अपने महादेव को जानिए, महाशिव पुराण पढ़िए, महादेव बहुत अलग है जितना हम जानते हैं उससे। तो महाशिव पुराण पढ़िए, और मैं कहीं कुछ गलती करता हूँ मुझे भी करेक्ट कीजिए, मैंने कोशिश की एक छोटी सी जानकारी आप सभी तक पहुँचा सकूँ। तो अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे, और महाशिव पुराण पढ़िए। और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बहुत बड़ा त्यौहार है, इसे खुशहाली से जिए, और जो भी आपके आसपास कांवड़िए निकले उनकी मदद करें, उनको चाय पानी पूछें, और एक दूसरे की मदद करें जीवन में, और इस दुनिया को खुशहाल बनाएं, प्रकृति की मदद करें। कहते हैं कि प्रकृति माँ शक्ति और माँ शक्ति स्वयं शिव, तो अगर आप शिव से प्रेम करते हैं तो आपको प्रकृति से प्यार करना होगा, प्रकृति की मदद करनी होगी, उसे साफ सुथरा रखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गंगा मैया, जय हर महादेव।